नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में और मैं हूं प्रकाश सर। दोस्तों, बिहार बोर्ड क्लास टेंथ वाले के लिए हम गैस से मैथ को शुरू किए हुए, आपको बगल में बुक दिख रहा होगा, इसी गैस से हम मैथ के लिए वीडियो बना रहे हैं और परीक्षा में इस बार तो धुआं मचा देंगे। बस आप हमारे चैनल पर बने रहिए, एकदम जैसे जैसे हम पार्ट को लोड कर रहे हैं वीडियो को, उस तरह से एकदम वीडियो को देखते जाइए, प्रत्येक वीडियो को मैथ का धुआं निकाल देंगे एग्जाम में, समझ रहे हैं। पूरा इस केस से हम पूरा टोटल मैथ आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करके देंगे इसी चैनल पे, यानी प्रकाश मैथ पॉइंट चैनल पे पूरा मैथ को सोल्यूशन देंगे ऑब्जेक्टिव का, ठीक है। एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा आपको परीक्षा हॉल में, ठीक है। बस दोस्तों, मेरे साथ आप बने रहिए, जिस तरह से हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं थोड़ा सा आप भी मेहनत कीजिए, नैया पार लग जाएगा, ठीक है। तो और वीडियो हमारा अच्छा आपको लगे तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर भाई हर बहन को इस वीडियो से लाभ मिल सके और मैथ को आसानी से सीख कर और एग्जाम में धुआं कर सके, ठीक है। तो बस आपको अच्छा लगे तो जरूर दूसरों को बताइएगा, आपको अच्छा नहीं लगे तब दूसरे को नहीं बताइएगा ना शेयर कीजिएगा, लेकिन आपको जब अच्छा लगेगा तो दूसरों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेड़ा पार लग जाए। स्टूडेंट का नाता क्या है, एक दूसरे को हेल्प करना। तो आपको अच्छा लगेगा ना तो दूसरे को हेल्प कर दीजिएगा, मतलब शेयर कर दीजिएगा, और नहीं अच्छा लगेगा तब कहना कीजिएगा, लेकिन अच्छा लगेगा तो शेयर कर दीजिएगा। हाँ, हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। घंटी को दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। दोस्तों, हम ऑब्जेक्टिव का टोटल मैथ बना रहे हैं, हाँ ऑब्जेक्टिव को भी तोड़ के बना रहे हैं। ये नहीं कि केवल ऑब्जेक्टिव ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऐसे नहीं, आपको समझा कर हम बना रहे हैं। आपको कैसा समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो दोस्तों, इसका हम दो पार्ट बना चुके हैं, यह वीडियो तीसरी पार्ट होगा। यदि वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले उस दोनों वीडियो को जाकर देख लीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप जरूर देख लीजिएगा, मजा तो जरूर आएगा। दो को वीडियो आप पीछे देखे होंगे, मजा तो आया होगा, वो फिर कभी सोचा नहीं होइएगा। तो याद रखिए, इस वीडियो में भी मजा ही आने वाला है, क्योंकि धुआं करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, 40 नंबर तक सॉल्व कर चुके हैं, 41 नंबर क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बहुलक के लिए निम्नलिखित सूत्र क्या है। बहुलक के लिए दोस्तों, आप लोग पढ़े होइएगा ऑफलाइन क्लास में, बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बट्टा में 2F1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू अगुना में H पढ़े हैं आप, समझ रहे हैं। अब ये देखिए कहाँ पे लिखा हुआ है, ऐसा किस ऑप्शन में है, आप लोग जानते हैं इसको, L जो होता है माध्यिका वर्ग मतलब बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, जैसे ऐसे रहता है ना 10 से 20, तो इसी को L बोला जा रहा है, ठीक है। माध्यिका वर्ग बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, निम्न मतलब नन की, ये दोनों पहलू, ये दोनों में नन को कौन है, छोटका कौन है, 10, तो इसी को L बोला जाता है। और H किसको बोला जाता है, तो ये दोनों का अंतर कितना है उसी को H बोला जाता है। खैर, इतना बोलने की जरूरी नहीं है, आप लोग जानते हैं बहुलक का सूत्र, ठीक है। नहीं जानते हैं तो कॉमेंट जरूर कीजिएगा, सब्जेक्टिव में ही बता देंगे आपको हम। ये फार्मूला का जन्म कहाँ से हुआ है ये बात भी बता देंगे, कब, जब आप कमेंट कीजिएगा तब। देख लीजिए ऐसा किस ऑप्शन में है, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 42 यानी 42 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन 12, 11, 10, 15, 12, 10, 12 का बहुलक, मतलब बहुलक बताना है, चार गो ऑप्शन में बहुलक कौन है। तो दोस्तों, इतना में बहुलक आपको पहचानना है, तो हम बताए हुए हैं कि बहुता ले जो संख्या दिखेगा वही बहुलक होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि इस आंकड़े में वैसा संख्या जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ होगा वही बहुलक होगा, लेकिन हम लोग बिहारी है तो बिहारी के भाषा में इस आंकड़े में जो बहुता ले दिखेगा वही बहुलक होगा। एकदम किताबी भाषा से पढ़िएगा, तो इस आंकड़े में वैसा संख्या जो ज़्यादा बार रिपीट हो वही बहुलक होता है, लेकिन बिहारी है जो संख्या बहुतल दिखेगा वही बहुलक होगा। देखना लीजिए कौन है, 10 देखिए यहाँ है, यहाँ है, 12 यहाँ है, यहाँ है,
और यहाँ है 12 भैया, तीन जगह है, हाँ तीन जगह, इसलिए बहुलक हम 12 ही ना बोलेंगे, बहुलक क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, समझ गए होंगे अच्छा से। अब दोनों वीडियो देखे होंगे तो और ज़्यादा समझ में आया होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन 3 5 0 0 के बाद में क्या है, 3 है 5 है 3 है 4 है 3 है, इतना में बहुलक फिर पूछा है, फिर बहुलके है, तो ऐसा संख्या जो बहुतल दिख रहा होगा आंकड़ा में, देख लीजिए आंकड़ा में बहुतल कौन संख्या दिख रहा है, 3 तो हमको दिख रहा है, तो बहुलक भी 3 हो जाएगा। समझ रहे होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रुक के थोड़ा शेयर कर दीजिए सबको भला। चलिए आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त माप है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सबसे उपयुक्त मान है माप है, ऑप्शन है ए बहुलक, बी में माध्य, सी में माध्यिका, डी में इनमें से कोई नहीं। दोस्तों केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन कौन होता है जानते हैं, माध्य, माध्यिका, बहुलक, तीनों होता है, लेकिन बोल रहा है कि सबसे उपयुक्त बोल रहा है, सबसे उपयुक्त बोलेगा तो माध्य बोलिएगा, ठीक है माध्य, सबसे उपयुक्त में माध्य है, लेकिन है तो तीनों, माध्य, माध्यिका, बहुलक, तीनों जो है ना वो क्या है केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है, लेकिन सबसे उपयुक्त पूछा है तो माध्य है, ठीक है। आ कैसे होगा ये जानना चाहिएगा क्या, चलिए कमेंट कीजिए बताते हैं, ठीक है अभी याद रखिए यही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका आंसर। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 45 नंबर क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन है, आंकड़े में यदि आंकड़े 11 है या 12 है या 1 है या 13 है या 20 है या 18 है या 19 है, इतना का माध्य दिया है कितना पता है, 13 तो हम बोले हुए कि माध्य बराबर सबको जोड़ दीजिएगा, अजय को है तय से भाग दे दीजिएगा ना तो माध्य निकल जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 सात से भाग दीजिए, अब माध्य दिया है, माध्य निकल गया है, माध्य दिया है दोनों बराबर, चलिए जोड़िए तब 18 अब 12 कितना होता है 30 इसको जोड़िए 30 60 19 11 30 हुआ 18 12 30 30 30 60 13 यहाँ 73 कितना हुआ 73 इधर क्या हो गया 1 है प्लस वाई है और 7 से भाग 7 भाग में उधर जाएगा तो गुना में तो 1391 एक्स प्लस वाई बराबर 91 माइनस में उधर जाएगा 73 तो एक्स प्लस वाई बराबर 11 में से 3 गया 8 8 में से 7 गया 1 18 क्या पूछा है देखिए तो पूछ दिया है हाँ ऐसा ही तो बोला है कि x प्लस वाई के मान तो है तो ऑप्शन नंबर ए में है x प्लस वाई बराबर 18 आंसर होगी ऑप्शन नंबर ए ना है ए है हाँ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, चलिए अब हो जाएगा 46 नंबर पे, किसी आंकड़े के प्रेक्षण x1 x2 x3 ……xn है का माध्य x̅ है, यदि प्रेक्षण में p जोड़ दिया जाए तो नया माध्य क्या होगा। एक बात जानते हैं सुनिए पहले इसका कंसेप्ट समझिए, बोलेगा कि कोई माध्य मान लेते कोई आंकड़ा है 1 2 3 4 ठीक, इसका माध्य 5 एक और देते हैं, अब इसका बोलेगा इसका माध्य जो है ना 3 है, कितना है इस आंकड़े का माध्य कितना है 3 है बोला है, फिर बोलेगा कि प्रत्येक में 2 2 2 2 2 जोड़ दे तो नया माध्य क्या होगा, प्रत्येक में 2 जोड़ने के लिए कह रहा है ना और नया माध्य पूछ रहा है, माध्य देकर माध्य पूछ दिया, माध्य दिया है या माध्य पूछा है, तो जो काम सब में कहेगा करने के लिए वो काम आप मधुबे में कर दीजिएगा, जोड़ने के लिए कहेगा तो जोड़ दीजिएगा, घटाने के लिए कहेगा तो घटा दीजिएगा, आ गुना करने के लिए कहेगा तो गुना कर दीजिएगा, आ भाग करने के लिए कहेगा तो भाग कर दीजिएगा, तो हम बोलेंगे सब में 2 जोड़ने पर नया माध्य क्या होगा, तो इसी माध्य में 2 जोड़ दीजिए यानी नया माध्य 5 हो जाएगा, कैसे होगा जानिएगा, देखिए सब में 2 जोड़िए, इसमें 2 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़िएगा तो 5, इसमें 2 तो 7, इसमें 2 तो सॉरी इसमें 2 जोड़िएगा तो 3 हो जाएगा, इसमें 2 जोड़े तो 3 हो गया, इसमें 2 जोड़े तो 5 4 में होगा, इसमें 2 जोड़े तो 5, इसमें 2 जोड़े तो 6, इसमें 2 जोड़े तो 7,
अब माध्य क्या होगा, तो हम बोले कि माध्य बराबर होता है जब अंतर समान है ना, तो पिछला माध्य हो जाता है। तो दो इधर छोड़िएगा, दो इधर छोड़िएगा, पांच माध्य हो गया कि नहीं हो गया। आ नहीं तो आप जानते हैं कि जय गो है तो जोड़ दीजिएगा, और जय गो है ऐसे भाग दीजिएगा, एक दो तीन चार पाँच गो है पाँच से भाग दीजिए, सात छः तेरह पाँच अठारह चार बाईस तीन पच्चीस, पच्चीस बट्टा पाँच यानी कि पाँचे ना आ गया। जो काम सब में कहेगा करने के लिए वो काम माधवे में कर दीजिएगा, माध्य देकर माध्य पूछे जो काम कहेगा सब में करने के लिए वो काम माध्य में कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 46 नंबर है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स एन तक का माध्य जो है एक्स बार है। बोला है कि यदि प्रत्येक प्रेक्षण में P जोड़ दिया जाए तो नया माध्य, तो माध्य दिया है और नया माध्य पूछा है, तो सब में कहा है जोड़ने के लिए, हम माध्य में जोड़ दिए, यही आंसर हो गया। ठीक है, देख लीजिए एक्स बार प्लस पी ऑप्शन और बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 47 बोलने से कुछ पता चल रहा है, समझ रहे हैं तो कमेंट कीजिए। एक्स तीन चार और पाँच का माध्य चार है, माध्य चार है, तो माध्य बराबर क्या होता है, सबको जोड़ दीजिए और जय घोता से भाग दे दीजिए, चार को जोड़ दिए, चार से भाग दीजिए, माध्य हो गया ही, ये माध्य हो गया और माध्य दिया है, पाँच चार नौ तीन बारह, एक्स प्लस बारह, चार से गुना होगा तो सोलह हो जाएगा, एक्स बराबर बारह घट जाएगा चार आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्स के मान पूछा है चार। दोस्तों इतना स्पीड में क्या बना रहे हैं, क्या कि दो को वीडियो देख लिए हुए हैं इसलिए इतना स्पीड चल रहा है। ठीक है, क्या कि पूरा किताब को सोल्यूशन करना है, नहीं वीडियो देखे तो पिछले बार वीडियो जाकर देखिए, शुरू से एकदम पूरा समझ में आएगा, हम गारंटी के साथ बोलते हैं। ठीक है, चलिए एक्स का वैल्यू चार आ गया जो ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है तीन लगातार संख्याओं का माध्य, तीन लगातार संख्याओं का माध्य, तीन को लगातार एक दो तीन, तीन को लगातार होना चाहिए, तीन लगातार, तो इसका माध्य क्या हो जाएगा, जय गोहता ऐसे जोड़, सबको जोड़ दीजिए और जय गोहता ऐसे भाग दीजिए, तीन से भाग दीजिए, माध्य निकल जाएगा, माध्य क्या होगा, तीन दो पाँच एक छः, छः बट्टा में तीन यानी कि दो, कितना है आ गया दो, तब का आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन नंबर। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, वो क्वेश्चन कहता है कि थ्री माध्यक, माध्यक बोलिए या माध्यिका बोलिए दोनों बात एक ही है, चलिए माध्यक लिखते हैं, माध्यक, लेकिन माध्यिका भी इसी को बुलाता है, बराबर बहुलक, बहुलक आ प्लस डॉट डॉट माध्य, मतलब ये डॉट की जगह पर क्या होगा, तो आप कल ही पढ़े हैं पिछली वीडियो में पढ़े हैं कि बहुलक बराबर, बहुलक बराबर थ्री माध्य, माध्यक माइनस टू माध्य, यही ना पढ़े, बहुलक बराबर थ्री माध्यिका माइनस टू माध्य। तो देखिए सब तो जगह पर हैले है, सब की जगह पर हैले है, या माध्य के बगल में क्या है दो है, तो यही दो भरा जाएगा, दो भरा जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, दो भरा जाएगा, ऐसे भी देखिए ना, इस पे लाना चाहते हैं इसको, देखिए इधर थ्री है, थ्री तो थ्री माध्यक आई टू प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में टू माध्य हो जाएगा, माध्य इधर क्या बच गया, बहुलक हो गया कि नहीं हो गया, बहुलक यही फॉर्मूला पर चलाया कि नहीं चलाया, तो क्या आपका आंसर होगा, टू हो जाएगा। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, तुझे देखा तो ये जाना सनम, चलिए 50 पर ताली मार दीजिए। क्वेश्चन कहता है एक दो तीन डॉट डॉट एन का माध्य क्या होगा, एक दो तीन डॉट डॉट कहाँ तक, एन तक का माध्य पूछा है। ए भैया सुनिए ना, माध्य पूछा है, क्या पूछा है, माध्य, तो माध्य बराबर होता है फर्स्ट प्लस लास्ट बटा टू, जब दो पदों के बीच का अंतर समान हो ना तो माध्य बराबर याद रखिएगा फर्स्ट प्लस लास्ट, लास्ट क्या है एन बटा टू, ऐसे लिखिए चाहे एन प्लस वन बटा टू ऐसे लिखिए, दोनों बतवा सेम है, इसलिए कि दो में तीन जोड़िए चाहे तीन में दो जोड़िए दोनों बात बराबर है, प्लस में इधर उधर लिखाते रहता है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए ये दोनों के बीच अंतर एक है, दोनों के बीच अंतर एक है, यानी लगातार है तो अंतर एक एक होगा, तो उसको माध्य निकालने के लिए फर्स्ट प्लस लास्ट बटा टू होता है, यानी इसको हम ऐसे ही लिख सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 51 नंबर कन्यादान राशि, 51 नंबर क्वेश्चन है कि प्रथम पांच प्राकृत संख्याओं का माध्य, प्रथम पांच प्राकृत, प्राकृत गिनती को ही प्राकृत बोला जाता है, यानी एक दो तीन चार पाँच, प्रथम मतलब शुरू से यही ना है,
तो औसत क्या होता है, औसत बोलिए माध्य बोलिए, पिछला होता है, दुगो इधर से छोड़िए, दुगो इधर से पिछला हो गया माध्य, है ना। तो सबको जोड़ दीजिए आ जाएगा, है तो ऐसे भाग दे दीजिए आ जाएगा आपका आंसर माध्य आ जाएगा, ठीक है। पाँच चार नौ तीन बारह तेरह चौदह पंद्रह, पंद्रह बटा में पाँच यानी कि तीन, आपका माध्य निकल के चलाया तीन, जो ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए 52 बावन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि a माइनस बी और फिर क्या है, फिर a है और फिर a प्लस बी है का माध्य, ए भैया माध्य बराबर सबको जोड़ दीजिए आ जाएगा होता है एगो से भाग दीजिए, तो एगो अकेला है, एगो अकेला है, इतना ही अकेला है, एक दो तीन, तीन से भाग दीजिए माध्य निकल जाएगा, क्या माध्य प्लस में बी और माइनस में बी जीरो हो गया, एगो ए यहाँ आ एगो यहाँ दो गो आ एगो यहाँ तीन गो यानी थ्री ए बट्टा में थ्री, थ्री से थ्री कट गया बच गया ए, आपका माध्य ए हो गया जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ठीक है। आ किताबों में संकेत में जो दिया है वो उल्टा पुल्टा कर दिया है, इससे मिस्टेक हो गया है, ये सफाई बना रहिएगा, यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि चर मान 30 5 2 22 14 26 और 10 के माध्यिका बताएं, सुनिए क्या पूछा है माध्यिका, तो माध्यिका के लिए बताए हुए हैं कि दी हुई आंकड़े को बढ़ते क्रम में चाहे घटते क्रम में सजा लीजिएगा, उसके बाद बताए हुए हैं क्या करना है, तो इसको बढ़ते क्रम में सजा लीजिए, सबसे छोटका दो, उससे उसके बाद है पाँच, उस इससे थोड़ा बड़ा में जाइएगा तो आ जाएगा दस, इससे थोड़ा बड़ा में जाइएगा तो चौदह आ जाएगा, इससे थोड़ा बड़ा में जाइएगा तो बाईस आ जाएगा, इससे थोड़ा बड़ा में जाइएगा तो छब्बीस आ जाएगा, इससे बड़ा में जाइएगा तो तीस आ जाएगा। अब क्या पूछा है माध्यिका, माध्यिका या माध्यक बोलिए, तो देखिए कै गो है, एक दो तीन चार पाँच छः सात गो है, तो तीन गो हेन्ने से छोड़िए आ तीन गो हेन्ने से बिचले को बोलते हैं माध्यिका, यानी चौदह आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, चौदह हो जाएगा जो ऑप्शन और बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 54 नंबर क्वेश्चन है चौर मान एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ का माध्यिका, माध्यिका पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है माध्यिका, तो ऑलरेडी जो है बढ़ते क्रम में है, ले है तो कोई बातें नहीं है, कह गो है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ गो, तो आठ गो है ना, तो इधर तो बीच में कुछ नहीं बचेगा, आधा घेर दीजिएगा, तो तीन गो इधर से घेर दीजिए आ तीन गो इन्हें से घेर दीजिए, दोनों तरफ बराबर घेरिएगा और जो बचा उसको जोड़ के आ दूसरे भाग दे दीजिए, दो गो जोड़े हैं तो दूसरे भाग, पाँच चार नौ बट्टा में दो यानी कि साढ़े चार आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, एग्जाम में इसी तरह बनाइएगा, ठीक है, नहीं तो फार्मूला आता है एन बटा टू वा पद एन प्लस वन बाई टू वा पद, ठीक है, लेकिन इसी तरह बनाइएगा आपका आंसर हो जाएगा चौवन के, चौवन को जाएगा साढ़े चार ऑप्शन और बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, बताइए तो एग्जाम में धुआं निकाल दीजिएगा नहीं निकाल दीजिएगा, तो पढ़ते जाइए ना। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है चौर मान 3 4 8 7 14 16 के माध्य विचलनों का योग पूछा है, माध्य विचलनों का योग, दोस्तों माध्य विचलन यानी पहले आप माध्य निकाल लीजिए ना, पहले माध्य निकाल लीजिए, तो हम बताए हुए हैं कि माध्य बराबर सबको जोड़ लीजिएगा और जय गो है तय गो से भाग दे दीजिएगा, तो कै गो संख्या है एक दो तीन चार पाँच छः गो, छः से आप भाग दे दीजिए, ठीक है, क्या निकल जाएगा माध्य। अच्छा एक बात पता होगा, माध्य को हम लोग एक्स बार से भी लिखते हैं माध्य को, ठीक है, चलिए जोड़िए 16 14 30 तीस आ सात 37 37 आ तीन 40 आ पाँच 45 45 आ सात 52 52 बट्टा में 6 काटिएगा दो से तीन बार में काटिएगा दो से 26 बार में यानी 26 बट्टा में 3 आ गया, कितना आ गया 26 बट्टा में 3। अब आपको माध्य विचलन पूछा है, तो विचलन जानते हैं ना एक्स बार माइनस एक्स, यही तो हो गया, यही ना मानक विचलन हो गया, विचलन यही ना हो गया, तो एक्स बार के मान कितना आया 26 बटा 3। अब 26 बटा 3 में से एक्स को यानी एक्स इसी चौर को बोल रहे हैं, तो अब घटाइए जी, सबको घटाइए, सबको घटा दीजिए थोड़ा, तो 26 बटा
तीन में से इस तीन को घटाइए, तो तीन तीन नौ घटेगा तो कितना तीन, तो नौ सोलह में से नौ गया, आप लोग भी घटा खो लीजिएगा, हम मने मने कर दे रहे हैं, तो सोलह में से नौ गया सात, यानी सत्रह बटा तीन आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद में छब्बीस बटा तीन में से इसको घटाइए, चार को घटाइए, तो आप घटाइए चार तीन बारह घटेगा, तो बारह चौदह छब्बीस, चौदह बटा में तीन बचेगा। फिर इसको छब्बीस बटा तीन में से इसको घटाइए, आठ को घटाइए, तो आठ तरीका चौबीस, यानी कि दो बट्टा में तीन बचेगा। फिर उसके बाद में छब्बीस बट्टा तीन में से घटाइए, इस बार सात को घटाइए, सात को, तो सात तरीका इक्कीस, यानी कि पाँच बट्टा में तीन आ जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ घटा दे रहे हैं, चलिए यहाँ घटा, छब्बीस बट्टा तीन में से आप फिर घटाइए, चौदह को घटाइए, तो चौदह तो बयालीस हो जाएगा, चौदह तो बयालीस, तो बयालीस माइनस छब्बीस, बारह में छः के छः एक, माइनस में सोलह बट्टा में तीन आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ घटाते रहे, एक को यहाँ घटाते रहे, छब्बीस बट्टा तीन में से घटाइए इस बार सोलह को, सोलह तो अड़तालीस, अड़तालीस में से तीन जाएगा पैंतालीस, यानी कि माइनस में माइनस में सॉरी छब्बीस में घटेगा, सोलह तो अड़तालीस में छब्बीस घटेगा, दो दो बाईस, यानी माइनस में बाईस बट्टा में तीन आ गया। अब देखिए इसका वैल्यू निकल गया, इस सब तो इसी का योग पूछा है, योग पूछा है, सबको जोड़ दीजिए, ये हम निकाले क्या निकाल रहे हैं, एक्स बार माइनस एक्स निकाल रहे हैं, बीच माध्य योग विचलन योग निकाल रहे हैं, सबको जोड़ दीजिए, यही योग निकल के चला है। देखिए एक्स बार में से एक्स को घटाएं, एक्स बार कितना आया, ये आया है, इसमें से सब एक्स को घटाए हैं, तो योग पूछा है, तो देखिए यहाँ करते हैं, सत्रह बट्टा में तीन प्लस चौदह बट्टा में तीन प्लस दो बट्टा में तीन प्लस पाँच बट्टा में तीन माइनस है, हाँ सोलह बट्टा में तीन छब्बीस है, सोलह बटा में तीन, और फिर माइनस है यहाँ बाईस बटा में तीन। चलिए लघुत्तम लीजिएगा तो सब कितना हो जाएगा, तीन हो जाएगा, सत्रह प्लस चौदह प्लस में दो प्लस में पाँच माइनस में सोलह माइनस में बाईस, ठीक है, समझिएगा, थोड़ा लेंदी प्रोसेस है, समझिएगा, बाईस देखिए यहाँ सत्रह सत्रह पाँच, सत्रह ई हो गया और पाँच ई, सत्रह पाँच बाईस प्लस में हो गया और माइनस में बाईस, ये तो कट गया, कट गया कि नहीं कट गया, चौदह दो सोलह प्लस में और सोलह माइनस में जीरो हो गया, ऊपर में जीरो और नीचे में तीन बचा, जीरो बटा तीन कितना होगा, जीरो हुए होगा, तो आपका माध्य विचलन योग आ गया जीरो, समझ गए, समझ गए तो कमेंट कीजिएगा, और थोड़ा इसको इस क्वेश्चन के वीडियो दो बार तीन बार देख जाइए, ठीक है। चलिए एगो अपना से बता देते हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन पर एगो अपना से हम बता देते हैं, ठीक है, बता देते हैं, चलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन समझ गए होंगे, चलिए हम आपको इजी थोड़ा बता रहे हैं, एक अपना से क्वेश्चन दे रहे हैं, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, क्या बोले, एक दो तीन चार पाँच, हम इसका बोलेंगे माध्य माध्य विचलन विचलन का योग, यही तो क्वेश्चन है आपका, देख लीजिए माध्य विचलन का योग, हाँ यही तो है, तो हम कैसे करेंगे, पहले इसका माध्य निकाल लीजिए, माध्य माध्य निकालिएगा तो सबको जोड़ के जाएगा तैसे भाग दीजिए, यानी कि एक प्लस दो प्लस तीन प्लस चार प्लस पाँच, ठीक है, बट्टा में पाँच हुआ है, पाँच से भाग दीजिए, माध्य निकल जाएगा, और माध्य को हम लोग एक्स बार से दर्शाते हैं, ठीक है, पाँच चार नौ तीन बारह चौदह एक पंद्रह, पंद्रह बट्टा में पाँच, यानी कि तीन, ये तीन का आया, तीन एक्स बार का वैल्यू आया तीन, लेकिन आपसे माध्य विचलन का योग पूछा है, तो माध्य विचलन जानते हैं क्या होता है, माध्य विचलनों का योग बराबर क्या होता है, एक्स बार माइनस एक्स, यही होता है माध्य विचलन का योग, ठीक है, तो एक्स किसको बोला जा रहा है, तो एक्स इसी को चौर ये चौर मान है ना, इसी को एक्स बोला जा रहा है, सब वैल्यू को एक्स बोला जा रहा है, और इसको एक्स बार हो गया, तो हमको एक्स बार निकालना, एक्स बार तो पता है तीन है, तो अब चौर को घटाइए, तीन में से तीन है एक्स बार, और चौर की जगह क्या लिखिएगा एक, तो कितना आएगा दो आ गया, फिर एक्स बार तीन में से एक्स को घटाइए दो, तो दो यानी कि एक आ गया, फिर तीन में से एक्स बार में से एक्स को घटाइए तीन, यानी कि जीरो आ गया, फिर तीन में से अगला घटाइए चार, यानी कि माइनस वन आ गया, फिर तीन में से अगला घटाइए यानी माइनस दो आ गया, तो इसका माध्य विचलन का योग कितना हो जाएगा, दो है तीन प्लस में और तीन ही है माइनस में, इसका भी माध्य विचलन का योग कितना हो गया जीरो, इसका भी जीरो हुआ आया, समझ गए, यही क्वेश्चन कहा है, ठीक है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए छप्पन नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि पाँच चार आठ सात दो पाँच तीन आठ चार छः सात का माध्यक बताए, माध्यक बोलिए या माध्यिका बोलिए, बतवा ई जैसे में,
ठीक है। तो हम बोले हैं कि पहले बढ़ते क्रम या घटते क्रम में सजा लीजिएगा, सजा लेते हैं। दो है तो दो लिखे, इससे बड़ा तीन है, इसके बाद में चार दो गो है, वो यहाँ है चार, ठीक है। उसके बाद में पाँच एगो यहाँ है, एगो पाँच यहाँ है, पाँच एगो है। उसके बाद में छः एक के जगह लग रहा है, हाँ छः एक के जगह है, सात दो जगह है, सात दो जगह है, आठ एक एक दो जगह आठ है, दो जगह आठ है। माध्यिका पूछा है, क्या पूछा है, माध्यिका बोलिए या माध्यक बोलिए, बात सेम है। चलिए गिनिए क्या है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, ग्यारह को है ना, तो पाँच को एन से छोड़िए, अब पाँच को एन से यही माध्यिका हो गया, यानी पाँच आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पाँच जो आपका ऑप्शन नंबर पाँच है, हमसे तो पाँच आ रहा है, ऑप्शन में ए दे रहा है, अच्छा एक बार मिला लेते हैं, कोनो बात नहीं। पाँच चार आठ सात, पाँच चार आठ सात, दो पाँच तीन आठ, दो पाँच तीन आठ, ठीक है। चार छः सात, चार छः सात ठीक तो है, लिखे हम तो ठीक ही लिखे हैं, हम तो ठीक लिखे हैं। माध्यक पूछा है, हाँ देखिए तो पाँच का गो है, एक जगह दो जगह, दो जगह पाँच है, अरे दो का गो है, एक यहाँ है और दो एक के गो, ठीक है। तीन देखिए, एक यहाँ और एक के गो तीन, ठीक है लिख दिए। चार का गो है, वो यहाँ है और एगो यहाँ है, दो जगह चार लिख दिए। पाँच एगो यहाँ है और पाँच एगो यहाँ है, ठीक है पाँच हो गया। उसके बाद छः एगो यहाँ है, एक एगो है, ठीक है। सात एगो यहाँ है और एगो यहाँ है, ठीक है। आठ एगो यहाँ है, एगो यहाँ है, ठीक तो है। अब गिनिए क्या गो है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह गो, तो पाँच को एने से छोड़ दिए, अब पाँच को एने से छोड़ दिए, आपका बिचला माल चलाया, नहीं आपका माध्य जो होगा, माध्यक बोलिए, सॉरी माध्य नहीं, माध्यिका या माध्यक बोलिए, पाँचे आएगा आपका आंसर जो हो जाएगा, वो पाँच हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, पाँच हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेकिन इसमें ऑप्शन नंबर ए छः दिया है, लेकिन बिल्कुल गलत है, ठीक है। क्या है, बिल्कुल गलत है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा कंसेप्ट को। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक से लगातार तीन प्राकृत संख्याओं का माध्य, एक से लगातार तीन को, एक दो तीन, यही तो माध्य हो गया, तो माध्य बराबर क्या पढ़े हैं कि सबको जोड़ दीजिएगा, जय को है तो ऐसे भाग दे दीजिएगा, एक दो तीन को है तीन से भाग दे दिए, तीन दो पाँच एक छः, छः बट्टा में तीन काटिएगा तो दो, नहीं काटा है तो न काटा है तो यही आंसर हो जाएगा, क्या दिक्कत है, यही आंसर हो जाएगा, आ काट के दो देता तो भी आंसर हो जाता, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा छः बट्टा दो, छः बट्टा तीन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि 25 संख्याओं का माध्य 10, यदि प्रथम 15 संख्याओं का माध्य 12 हो तो शेष 10 संख्याओं का माध्य बताएं। दोस्तों योग बराबर जानते हैं क्या होता है, याद रखिएगा, योग बराबर होता है माध्य गुणे संख्या, जय गो है तैसे गुना कीजिए, तो हम योग निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा, 25 संख्याओं का माध्य 10 है तो 25 गुना 10 कर दिए तो 25 संख्या का योग निकल के चला है। देखिए योग बराबर फॉर्मूला है माध्य गुणे एन, मतलब कई गो संख्या है, तो 25 गो संख्या का माध्य है 10 तो 25 गुणे 10 कर दिए तो 25 का योग पता चल गया। फिर आगे बोला कि प्रथम 15 संख्याओं का माध्य 12 है तो 15 गुणे 12 कर दिए तो प्रथम 15 का योग निकल के चलाया। आपसे पूछा है कि शेष 10 संख्याओं का माध्य, तो ये 15 को संख्या 25 को संख्या का माध्य है, आई 25 को संख्या के योग, आई 15 को संख्या के योग, 25 को में से 15 को घटा दीजिएगा तो 10 को बचेगा, शेष 10 को बचेगा, 10 से भाग दे दीजिएगा तो माध्य निकल जाएगा, ठीक है। चलिए 250 इधर हो गया माइनस 15 बढ़ाइए 80, 180 बट्टा में 10 घटाइएगा तो 0, 15 में 60 किया 7, 17 बट्टा में 10, 10 से 10 यानी 7 आपका आंसर हो जाएगा, माध्य निकल के चलाया 7 शेष संख्याओं का, जो ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सूत्र से बहुलक की गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई होनी चाहिए, ऑप्शन है समान, असमान, काफी अधिक, इनमें से कोई नहीं। सुनिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप लोग देखते हैं इसमें ऐसे देखते हैं, वर्ग में देखते हैं ना, वर्ग में
दस से बीस, बीस से तीस, तीस से चालीस। तो बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई होना चाहिए। गणना करने के लिए वर्गों की लंबाई, मतलब वर्ग है ये दोनों का लंबाई, मतलब इसी को बोला, ये दोनों का अंतर कितना 10, इसमें अंतर कितना 10, इसमें अंतर कितना 10। जब समान लंबाई होगा ना तभी ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है, तभी सॉल्यूशन होगा। तो क्या होगा, सब में वर्ग में समान है कि नहीं है, समान लंबाई है कि नहीं है। तो बोला है क्वेश्चन ने कहा है कि वर्गों की लंबाई होना चाहिए, समान होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है, यदि परम्परता वितरण सममित हो तो माध्यमाधिका और बहुलक के बीच सही संबंध है। याद रखिएगा, ऐसा परम्परता वितरण जिसका माध्यमाधिका बहुलक समान हो उसी को सममित वितरण कहा जाता है। क्या बोले हैं कि ऐसा परम्परता वितरण जिसका माध्यमाधिका और बहुलक समान हो उसे सममित वितरण कहा जाता है। यानी कि माध्यमाधिका और माध्यमाधिका और बहुलक समान हो तभी ये इसको सममित वितरण कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, 20-20 क्वेश्चन के हम पार्ट बना रहे हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा होगा और इस वीडियो में मज़ा आया होगा पढ़कर तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी भाइयों पर शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी मैं वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, इससे आगे क्वेश्चन लेके एक वीडियो और बनेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।